हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मंत्री जी, आज राजा बनाऊं मर गया सेनापति सांवरी श्याम सिंह, अब तो खुशियों का डंका बजा दीजिए। मर गया सेनापति सांवरी श्याम सिंह, अब तो खुशियों का डंका मौत की सजा दी जाए और तुम्हें अपने हाथों तुम्हारे सर पे ताज पहनाऊंगी। अरे चमेली रानी, इसका मतलब हमने तुम्हें महारानी बना दिया है, तो आज अच्छा शुभ अवसर आया है। आज तुम मुझे यहाँ का महाराज बनाओगी क्या? और वो भी महाराज चंद्रसेन के मरने के बाद। राम सिंह, यहाँ से जाओ। हाँ। और हमारी जेल में महाराज बंद है। हाँ। उन्हें लेकर के हमारे पास आओ। अबे साले कनवा महाराज, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं है कि मैं वही ठाकुर हूँ, मच्छ वाला मच्छधारी और जहरीले नाक का पुजारी। और जब तक ना बना दिया तुझे भिखारी, तो मुझे मत कहना काले नाग का पुजारी। अरे महाराज चंद्रसेन, ये तेरा खैरागढ़ राज है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई सगा नहीं जिसको मैंने डसा नहीं। महाराज चंद्रसेन, हम तुम्हारी हुकूमत की बुनियाद को तोड़ करके अपनी हुकूमत का बादशाह बनना चाहता हूँ, यानी कि आई एम द किंग। है राम सिंह, अब इनकी जिंदगी का आखिरी समय है। हाँ। तो ये हथकड़ी खोलो। हाँ। और गले में फांसी का फंदा लगाओ। नहीं, मरेगा तुम्हारा समय आ गया है। अरे हुजूर, आखी दीजा फोड़ डाल का फादा जेल में डाल दियो सर। अगर तू बात बता रहा है, तुझे ये भी नहीं मालूम है कि अभी तक वो जेल ही में बंद था? आज तो हम इसे फांसी देने के लिए बुलाए हैं ना। अरे राजा महाराजा ही रहे हैं, अब इनके आँखी फोरिन दे हो, वैसे नहीं दिखा दे का जेल में डाल दिया चुप्पे। तुम पीछे हटो, 10 कदम पीछे हटो। इनका मरे का मौत है। और महाराज चंद्रसेन, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ खाना चाहते हो? कुछ पीना चाहते हो? किसी से मिलना चाहते हो? तो क्या साले हमें खाना चाहते हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज चंद्रसेन नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। अबे अबे शर्म, तुझे ना ये रात और ना तेरी सगल पे चला रहा।
तूने करे आज दोबारा कुछ कहे तो लो जुबान में गंगा हमने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा लेकिन तू कहां मर गया था? जरूर ढूंढा होगा वो भी मिटाने के लिए। मैं तुझे मिटाने के लिए नहीं बल्कि तेरी चिता जलाने के लिए बगीचे में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ आज चिता ये गंगा सिंह लगा। नहीं गंगा ऐसी गलती नहीं करेगा नंबर दो। गंगा अरे खेल तो दाएं से बायां मार गया। अरे गंगा हमने कसम खाई है कि आज तुझे इस खैरागढ़ में नंगा करके मारूंगा लेकिन गंगा पहले हम तेरा चेहरा देखेंगे कि कौन सा साला ज्वालामुखी है जो हमारी जान का दुश्मन बना है। गंगा पहले मुझे अपना ये इस चेहरे को मत देखो। इस चेहरे को देखेगा तो तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी और जलकर राख हो जाएगा। तो गंगा अरे मुझे जला दे तेजाब डाल दे चिता लगा दे। अगर तेरी माँ ने पैदा किया है तो ठाकुर भवानी सिंह को जला कर दे। अगर जिद ही करता है तो देख चेहरे को फिदा चेहरे को। साला निकला तो सेनापति रणवीर प्रताप सिंह निकला। मैं तो समझता था कि ससुरा मर गया होगा लेकिन साला आज भी जिंदा है। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ गई है क्या? लग रहा तुम्हारी गर्मी को अब ठंडा करना पड़ेगा। चला गोली चला गोली। अब क्या सोचता है? राम सिंह जरा हमारा हंटर लाओ थोड़ा इसे कूल कूल करना पड़ेगा। हराम खोर ऐसी गलती मत करना। गंगा अब हम तुझे ऐसे नहीं आज वही कहावत हो जाएगी कि मियाँ की जूती और मियाँ का सर। तेरे ही राइफल है और तेरे ही राइफल से तेरा ही खून होगा। वो तो वक्त बताएगा। तुम इसको मान लो ये साले जो इनके साथी हैं आपके ऊपर उंगली दिखा रहे हैं आपको दांत पीर रहे हैं इनके लिए क्या देगा चोरन के लिए? छोटुआ अगर ये लोग मुझे आंखें दिखा रहे हैं तो हंटर उठाओ और एक एक चमड़ी निकाल करके इन्हें जेल में डाल दो। छोटू इनकी गर्मी मैं दूर करूंगी। छोटू बुड्ढे मुझे मारने आया है और मेरे ही दरबार में मेरे ऊपर गोली चलाएगा। चला मेरे ऊपर गोली। ठहरो आप नहीं बोलती है आपका क्रूर बोलता है। ये समय है नहीं तो ये भवानी दुनिया में नहीं होता। अबे साले बुढ़े तुझे कहावत नहीं मालूम है कि समुंदर कितना भी उछाल मारे
आसमान को कभी छू नहीं सकता है। और मानता हूँ कि समुंदर में इतनी ऊंची लहरें उठती हैं, इतनी आवाज करती हैं, लेकिन चट्टानों से टकराने के बाद आवाजें हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। महारानी चमेली मारो सालों को। क्यों लंबोदर, तू मुझे मारने आया है? तू कौन है रे? लोग मुझे डाकू हसीना के नाम से जानते हैं। जाने तू लड़की है। अरे आप आदेश करो, का नाम तोर? डाकू हसीना। आप लोग आदेश करो, जिनका निकाल ले हम पसीना। तुझे शर्म नहीं आती? अकेली तनहा इन डाकू ग्रह में रहती है और डकैती डालती है। अरे महारानी जी, ये लड़की का चालो चलन नहीं ठीक। क्या मैं समझ रही हूँ हराम जाती? क्या हुआ? अरे चमेली रानी, ये देखने में थोड़ा अच्छी लगती है, अपने पास रख लो ना टाइम पास के लिए। हाँ हम तो है ना। ये देखने में अच्छी लगती है लेकिन इसके कारनामे बहुत ही गलत है। और गंगा, अब तुझे सजा हम देंगे। भवानी, अब चला गोली, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, चला गोली। ला हमारी दुनाली बंदूक लाओ। मारा बेल के। अब हमारी खोपड़ी चकरा गई है, वो जरा हमारा कारतूस वाला माला तो लाओ। ए राम सिंह, अरे तुझे गोलियां ढूंढने की जरूरत है? जरूरत नहीं है, हमारी अखियन के सामने गोलियां हैं। ए गंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये देख पीतल की टोपी लगी है ना, अरे यूं निकाल लिया और धीरे से भर दिया। हराम खोर, मरने के लिए तैयार हो जा, नंबर एक। और नंबर दो, राम सिंह ये साली गोली कहाँ गई? भवानी सिंह, ये गोली मेरे पेट के अंदर गई है। और भवानी सिंह, चला गोली सबसे पहले। तेरा साली पेट हो गया कि साला पावर हाउस हो गया? अब सामने से हट जाओ, नहीं गंगा की बजाय फिर तुम मर जाओगी। हटो सामने से। चला गोली भवानी सिंह, अब सबसे पहले मैं ही मरूंगी। अगर तेरी इच्छा मरने की है तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। ये निकाला दूसरी गोली, ये दूसरी गोली, अब ये तेरे नाम की निकाला है। चला, यूं निकाल लिया और धीरे से ये लगा दिया। आराम जादी, नंबर एक और नंबर दो। ये साली दूसरी गोली कहाँ गई? भवानी सिंह, ये दूसरी भी गोली मेरे पेट के अंदर गई है। इसका मतलब सब गोली तेरे पेट के अंदर जा रही है? हाँ भवानी सिंह। ऐ लड़की, आज तक तो तूने गोलियां खाई है, अब आज आखिरी बार अब भवानी सिंह का गोला खाओ। भवानी सिंह, दिखा अपना गोला,
कहाँ है तेरा गोला? मैं भी तो जरा देखूं। हे राम सिंह, ये राइफल पकड़ो, जल्दी से पकड़ो, और अब ये गोली से नहीं, अब भवानी सिंह के गोला से मरेगी। हम गोला लाते हैं और देख तुझे किस तरीके से मारते हैं। हरामखोर, ये गोला मिलने वाला है, ये देख, ये तेरे नाम का गोला मंगाया हूँ, नंबर एक और नंबर दो। भवानी सिंह, अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो अपनी अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, अन्यथा बंदूक की कहीं नाल फट गई तो गोली तुम्हारे पीछे से निकल जाएगी। आखिर तू है कौन? कौन है तू? भवानी सिंह, पहचान मुझे कि मैं कौन हूं। अरे आखिर बताना कौन है तू? भवानी सिंह, मैं हूं नागिन। नागिन? अरे मैं तो समझता था कि कोई डरामे वाली है, और ये तो नागिन जहरीली वाली निकली। हे राम सिंह, जल्दी से हथियार नीचे डाल दो, डाल दो जल्दी से हथियार नीचे। अपन हथियार छोड़ देना। भवानी सिंह इधर आओ, और बेटी, बेटी कहिए। सबसे पहले तुम सम्राट की आंखें ठीक करो। ठीक है, तब हम बताते। मैं सबसे पहले महाराज की आंखें ठीक करती हूँ। अरे गंगा, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, ये इतनी जल्दी इसकी आंखों की रोशनी कैसे आएगी? भवानी, अरे ये कभी नहीं देख सकता है। महारानी चमेली, तो आज हम तेरी दोनों आंख को निकलवा कर सम्राट के आंखों में। क्या? ठीक करो बेटी। महारानी चमेली, सामने आओ। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तेरा ये सपना कभी साकार नहीं होगा? काली नागन, तुझे सर में आई नहीं। काली नागन, कमाते हुए कुछ न सोचा बिचारा, अरे बेशरम, इस कमी ने तो दिल में बसाते हुए। सेनापत रणबीर प्रताप सिंह। सी महाराज, सबसे पहले इसके सर का ताज छीन लो, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि भवानी सिंह और चमेली को ऐसी मार मारो कि खैरागढ़ साम्राज्य हमेशा के लिए याद रखे। हाँ जाओ, मैं देता हूँ। राजन, छो
छोड़ो छोड़ो ताज छीन लिया ताज उतार दिन मारे डरन के मारे महारानी चमेली आगे बढ़ो ये लो ताबीज ये लो और सबको बेहोश कर दो एक तरफ नौ नंबर का जो जूता है उसको लेकर आओ और उस कटारी को लेकर आओ भवानी आगे बढ़ो ये जूता किसका है इसका मुझे नंबर दिखाओ ये तो नौ नंबर का जूता है और इसी तरीके का एक जूता बहुत दिनों से हमारे बाथरूम में पड़ा हुआ है ये जूता आपको कहां पर मिला भवानी सिंह ये जूता महारानी चमेली के सैन कच्छ में मिला सेनापद मुझे याद आ गया सेनापद जब महाराज की नई नई शादी हुई थी और महाराज सुहागरात में जा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि महाराज बूढ़े हैं किसी काम के नहीं हैं आवाज नई नई शादी हुई है तो सुहागरात मनाना भी जरूरी है और जब हम महारानी के कच्छ में प्रवेश हुए थे तो महारानी जी महाराज को बेहोश कर चुकी थी तो हम वहीं पर महारानी चमेली से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे और वो भी थोड़ा जूते की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे तो हमने नौकरे से पूछा कि जूते की आवाज़ कहाँ से आ रही है तो साथ साथ एक और भी आवाज़ आ रही थी महारानी चमेली तुम्हारे कच्छ में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह प्रवेश हो रहे हैं और जैसे हमने सुना भागना चाहा जल्दबाजी में जूता वहीं रह गया था ऐसा क्यों किया अरे ऐसा ऐसा क्यों किया ऐसा हनीमून मनाने के लिए किया था आओ छोड़ो उस कटारी को लेकर आओ ये कटारी किसकी है इस कटारी में तो हमारा नाम लिखा हुआ है मंत्री भवानी सिंह ये कटारी आपको कहां मिली भवानी सिंह बंसू बहलिया की झोपड़ी में याद आ गया सेनापति याद आ गया जब हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे तो पीछा करते करते बंसु बहेलिया की झोपड़ी में पहुंच गए और तुम्हारे विषय में उससे पूछा और जब उसने बताने से इनकार किया तो जानते हो कि हम ठाकुर हैं बरदास के बाहर हैं हमें क्रोध आ गया और उसी क्रोध में बंसु बहेलिया को जान से मार दिया और जब वहां से अपने रास्ते के लिए चला तो ये गोली मारते समय बंसु बहेलिया के पास छूट गई और हमें जानकारी भी नहीं हुई ऐसा क्यों किया अरे बोल ऐसा क्यों किया? ऐसा तुझे मिटाने के लिए किया और साथ साथ साबूत हटाने के लिए किया छोटो उस दासी को बुला कर ले आओ दासी बोलो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था आपने आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था मैंने जो कुछ कहा और जो कुछ किया ये मंत्री जी और महारानी के कहने पे किया
महारानी जी ने से कह दिया तो तुमने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। बोल ऐसा क्यों किया? बहुत गलत वाला दिन है ये ना? तो ये तो महारानी जी ने कहा था, बस थोड़ा सा झूठ बोलना है और बोल दो, मैं तुम्हें 4-5 सोने के कड़े दे दूंगी। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बोल देती हूँ। वन मिनट, जैसे तो ही का हम कही कि तो ही का हम नवा मोबाइल लेके दे, आप हमारे साथ दिल्ली भाग चली है। बता, नहीं जाऊंगी। फिर ऐसा क्यों किया? बाल साली, दासी आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, किसी की जिंदगी को खतरे में मत डालना। जा, निकल जा यहां से। जा। और भवानी सिंह आगे बढ़ो। छडुआ, ये शाही पोशाक छीन ले। भवानी, आज तुझे पटक पटक कर मारूंगा और तुझे कोई नहीं बचा सकता। बहुत साले, और जैसा किया है तूने साले पूरे, और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिले। मारूंगा मौत ऐसी पांडे नहीं मिले। मेरी बारी आई है, मेरी बारी रोना तुझे। महारानी सिंह, महारानी चमेली आगे बढ़ो। महाराज ये लीजिए, समझाइए। महाराज चमेली, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मेरी जरा सी गलती हो तो मुझे इसी वक्त खत्म कर दो। इसमें सारी गलती हमारी है। जी भर के इस कमीने भवानी सिंह और चमेली से अपने बदले चुकाओ। साथियों,
छोड़ो, लाओ हमारी बंदूक, हम दोनों की अब सूरत देखना नहीं चाहते। हे बहनी दीदी, हे बच्ची हरो, हम आपके हाथ जोड़ी ताहिन, हमार गलती हम मका माफ कर दियो, ऐसी गलती कबो ना कर पाए। का कहती है? हे बहनी दीदी बच्ची होरी बचा लियो, तुमका वही दीदी बहनी बच्ची होरी बचाई है जौन तोहरी तना हुई है। और तुम तो राजा साहब की मेहरी है भाई, कह तो हम शादी कर ले इंसान के मेहरिया हमानी कर जाए ना, खौला के तेल डाल दे। तैयार हो जाओ मरने के लिए। दादाजी आप इन्हें नहीं मारेंगे, ये दोनों लोगों को मैं मारूंगी। फिर देर किस बात की, शाबाश बेटा। छोटू, इन तीनों की लाश को उठाकर किसी खड्डे में फेंक दो। जितनी लाशें रही ना सब ले जाके जो पीछे वाली तलैया है सब हन का वहीं मडार देना। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, आज मैं तुम्हारी वीरता और बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। इस बहादुरी को देखकर मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरी भी अवस्था बुढ़ापे की आ गई है। आप और श्याम कुमार, साथ में तुम्हारी भी बिसावरी, सभी लोग इस खैरागढ़ साम्राज्य में राज करें। पिताजी, क्या बात है? अभी यह शादी मैं नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 2 दिन का मोहलत चाहिए। 2 दिन? हाँ पिताजी, क्योंकि आने वाली अमावस्या की रात को हम और तुम्हारे बेटे श्याम कुमार दोनों लोग नाग रूप त्याग करके मनुष्य रूप में आऊंगी। उसी दिन आपकी बहू बन के इसी खैरागढ़ में निवास करूंगी। अगर 2 दिन की बात है तो कोई बात नहीं है, जाओ, लेकिन 3रा दिन खैरागढ़ में होना चाहिए। ठीक है पिताजी। श्याम कुमार आइए मेरे साथ चलिए। दोस्तों ये था हमारा खेल, मोहब्बत की भूल, मोहब्बत की भूल, करामाती फूल उर्फ डाकू गंगा सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। बोल शंकर भगवान की।